एक तरफ यूपी में भीषण गर्मी और लू से हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की जानें जा रही हैं, तो वहीं भयंकर गर्मी से मानो सपा सुप्रीमो भी तिलमिला उठे हैं। उफ गर्मी करते हुए अखिलेश यादव आग बबूला हो रहे हैं और मानो जलते सवालों के बाढ़ छोड़ दिए सीएम योगी की ओर। अखिलेश यादव इस कत्तई जला देने वाली गर्मी की वजह बताते हैं सीएम योगी को। कहते हैं कि अगर योगी सरकार ना होती तो यूपी में कत्तई ये जानलेवा जला देने वाली गर्मी ना होती। जहां एक और लोग गर्मी से राहत के लिए इंद्रदेव की ओर देख रहे हैं, कह रहे हैं महाराज अब तो मेहरबानी करो, तो अखिलेश कह रहे हैं महाराज अब आप हटो। लेकिन अखिलेश ये बात कह रहे हैं योगी महाराज के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गर्मी योगी सरकार की वजह से क्यों है, तो भाई अखिलेश यादव ने बाकायदा इसका तर्क भी समझा दिया और तसल्ली से इसकी वजह भी बता दी। देखिए अखिलेश यादव का एक्सपर्ट लिखा ये पोस्ट, जिसमें अखिलेश यादव लिखते हैं कि अगर भाजपा सरकार ने फाइलों की जगह जमीन पर पेड़ लगाए होते तो शायद भीषण गर्मी से जनता का कुछ बचाव हो सकता था। पता करना पड़ेगा कि जहां से पेड़ की सप्लाई हुई भाजपा ने क्या वहां से भी चुनावी चंदा लिया है। भाजपा का नारा है जहां धंधा वहां चंदा। और यहां अखिलेश यादव बाकायदा एक ग्राफ भी शेयर करते हैं, जिसके मुताबिक यूपी में योगी सरकार में साल 2017 में 5.72 करोड़, साल 2018 में 11.77 करोड़, साल 2019 में 22.60 करोड़, साल 2020 में 25.87 करोड़, साल 2021 में 30.53 करोड़ और साल 2022 में 35.49 करोड़ पेड़ लगे। तो अखिलेश यादव यहां पर भयंकर घोटाले का आरोप लगाते हैं। इधर अखिलेश यादव ये पोस्ट करते हैं, उधर मानो पूरी सेना उतर पड़ती है सेनापति के एक ही अलगार के बाद। देखिए कैसे इस पोस्ट पर लालजी वर्मा समेत सपा के नेता कमेंट करना शुरू कर देते हैं, योगी सरकार को पेड़ के मुद्दे पर घेरना शुरू कर देते हैं। अम्बेडकर नगर से सांसद बने लालजी वर्मा कहते हैं योगी सरकार के द्वारा वृक्षारोपण के माध्यम से लगभग 100 करोड़ पौधे रोपे गए थे, उनका क्या हुआ, कहीं दिखाई नहीं दे रहे ये पौधे, क्या इसमें भी घोटाला हुआ, ये भी आंकड़ा पेश करते हैं। वहीं सपा नेता मनोज यादव मजे लेते हुए लिखते हैं कि बीजेपी के लोग नफरती होने के साथ साथ जहरीले और कटीले भी होते हैं, इसलिए कटीले पेड़ों की झाड़ियां लगाई गई होंगी, इसलिए ना तो छांव हुई ना ही हरी पत्तियां, इस कारण मौसम अच्छा नहीं हुआ। वैसे जिस तरह से गर्मी पर सपा के लीडर्स बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, उस पर आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और वो भी याद कीजिए जब योगी ने कहा था कि ये गर्मी निकाल कर शिमला बना देंगे यूपी को। तो मौज लीजिए फिलहाल गर्मी और शिमला के दोनों के और अपनी राय रखें। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।